Hey, good morning guys, this is Saurav. Welcome you all back to my channel Travel Life. Hope you all are doing good. भाई साहब, जैसे कि मैं अपने सेकेंड लास्ट वीडियो पे बोल रहा था, मेरा एक ट्रिप प्लान है नॉर्थ इंडिया का. एक्चुअली कंपनी का एक प्रोग्राम है दिल्ली में, तो उससे पहले हम लोग आ गए आगरा. यहाँ पे जाएंगे, क्या बोलते उसको, ताजमहल जाएंगे, उसके बाद मथुरा जाएंगे, वृंदावन, मथुरा वृंदावन, वो सब कवर करेंगे. उसके बाद जाएंगे दिल्ली. दिल्ली में अपना मीटिंग है 9, 10, 11 को. उसके बाद अपना प्लान है गुजरात का. मैं यहाँ से गुजरात चला जाऊँगा, मैडम जी बैंगलोर से आ जाएंगे डायरेक्ट गुजरात. उसके बाद वहाँ पे भी वीडियो. तो प्लीज़ यार, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. और यार बने रहो भाई साहब. अपना ट्रेन कुछ 4 घंटा डिले चल रहा था. अपने को पहुँचना था 3:30 बजे और हम लोग पहुँचे 6:30 बजे. तो कुछ हुआ नहीं, मतलब हमारा प्लान था कि पहले रूम वूम लेके फ्रेश फ्रेश होंगे उसके बाद चलेंगे, लेकिन भाई साहब इतना लेट हो गया. अभी डायरेक्टली गाड़ी पे बैठ गए, अभी जा रहे हैं पहले ताजमहल. ताजमहल देखते हैं, उसके बाद कहीं पे कुछ फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे, कुछ ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे. पहले यहाँ पे चाय पी लेते हैं भाई साहब. तो चलिए पहले चाय वाय पीते और उसके बाद जैसे जैसे रहता है आपको बोलेंगे ना. ये रहा अपना ग्रुप अंजप्पा, बाकी सब यहाँ पे है चाय के लिए वेट कर रहे हैं. धनु भाई, एक बार चाय वाय पीते हैं उसके बाद चलेंगे. हाँ, कौन मिस हो गया? अच्छा, नागराज मिस हो गया. अभी चाय पीते और उसके बाद चलेंगे भाई साहब. फॉग देखते ही बनता है. चाय पी के हो गया, अभी चलेंगे भाई साहब. सीरियसली यार, वैसे कैमरा पकड़ने के लिए 2 मिनट के लिए से ग्लव्स खोल रहा हूँ ना, हाथ जम जा रहा है. ओह, तो पहले अभी चलते आगरा ताजमहल. अभी हम लोग है आगरा रेलवे स्टेशन के सामने ना, यहाँ से जाएंगे ताजमहल, उसके बाद आगरा फोर्ट, उसके बाद कुछ फ्रेश फ्रेश होते और उसके बाद बाकी जैसे रहते हैं. ओ भाई साहब, बाकी क्या है राजीव भाई, बाद में बोलोगे आप, नहीं आए. तो अभी चल रहे हैं ताजमहल के अंदर की तरफ. अच्छा, महबूब भाई भी रेडी है, वो भी हाथ दिखा रहे हैं. वीडियो में नहीं आए तो सामने बैठे हुए तो ऐसे ही होगा. ओ भाई साहब, सीरियसली इतना फॉग है ना, पता नहीं ताजमहल दिखेगा कि नहीं. पहले चलते टिकट विकेट देख लेते कैसा है. यहाँ पर टिकट का काउंटर देख लेते. और भाई साहब, लोग तो यहाँ पे लूटने के लिए भरे पड़े, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई. आईडी अभी नहीं चाहिए होगा.
ಏನ್ ಸೀನು? ಹಾಯ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಅಭಿ ಚಲ್ ರೇ ಅಂದರ್ ನಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ ತೋ ಥೆ ತಾಜಮಹಲ್ ದೇಖನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ, ಪತಾ ನೀ ಕಿತ್ನಾ ದೇಖ ಪಾಯೆಂಗೆ. ಫಾಗ್ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ತೋ ಕುಛ್ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ದೋ ಹಾಥ್ ಆಗೆ ಕಾ ನೀ ದಿಖ್ ರಹಾ ಹೈ. ದಿಖಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ ಸಾಮ್ನೆ, ದಿಖಾ ಹೈ. ದೇಖನಾ ಹೈ ಫಾಗ್, ದೇಖನಾ ಹೈ, देखना है फॉग. ये देखो, ओ वहाँ पे कहीं पे तो ताजमहल है. हाँ वहाँ पे ही है कहीं पे. नजदीक चलते हैं. ताजमहल अंदर, अरे गॉड है ताजमहल यही यहाँ पे. भाई साहब कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है. ऑलमोस्ट सामने पहुँच गए ना, जहाँ पे लोग बैठ के ताजमहल के साथ फोटो खिंचाते थे. वहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. सबको बोलना पड़ रहा है यार वहाँ पे ताजमहल है. आइकॉनिक सब सब बोल रहे थे आइकॉनिक जगह पे बैठ के फोटो क्लिक करेंगे. फोटो क्लिक किया, पीछे कुछ नहीं आया तो बोल रहे अभी एडिट करके डालेंगे. हो हाँ तो हाँ, बहुत सारे लोग इसको प्यार की निशानी मानते हैं. बहुत सारे लोग मानते हैं. हाँ अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, आपको दिखाते हैं. यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत अभी मीनार विनार दिख रहा है. ओ बाप रे, आप सबको इतना ठंड लग रहा है. वो देखो दीदी को देखो. नहीं देखे थे क्या? तो चलो आप नीचे देख के. ये रहा ताजमहल. अब भैया के कुछ पता चल रहा है. इधर से इन्होंने भाई साहब, वहाँ पे एक दीदी है जिनको भाई ठंड से तो कोई मतलब ही नहीं है. हम लोग इधर ठंड में जम गए और वो दीदी वहाँ पे ऐसे शॉर्ट्स पे घूम रही है. बठा ये रहा. तो भाई साहब फाइनली यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है ना ताजमहल. उस साइड में अगर हम लोग फोटो वोटो क्लिक करने के लिए बैठे थे ना, उस वहाँ पे तो कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था. बट हाँ जैसे जैसे सामने आए थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है. मीनार विनार ना बाप, मुझे हमें लग रहा था कि जैसे जैसे टाइम कटेगा तो शायद धुंध हटेगा, लेकिन भाई साहब उल्टा हो रहा है. अभी धुंध और बढ़ रहा है ना. तो गाइस ये रहा सो कॉल्ड प्यार की निशानी. वैसे प्यार तो कहा था इसमें, मतलब मुझे उसमें उतना ज़्यादा भरोसा है नहीं कि प्यार की निशानी शाहजहाँ ने मुमताज़ की मतलब मुमताज़ का पहले एक पति था उसको मारा, उसको मार के मुमताज़ से शादी किया. मुमताज़ शाहजहाँ का 14 नंबर बीवी था. मुमताज़ मरा, बच्चा मतलब 14 नंबर बच्चा पैदा करते हुए मुमताज़ का डेथ हुआ. उसके बाद शाहजहाँ ने मुमताज़ की बहन के साथ फिर से शादी किया. तो उस चीज़ में मुझे प्यार तो कहीं दिखाई नहीं देता है. हाँ बट ये चीज़ है, ये अभी हिंदुस्तान का धरोहर है, हमारा नेशनल धरोहर है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए और गवर्नमेंट उसके लिए काम भी करे. उस पे कोई डिनाई नहीं है, वो चीज़ करना चाहिए. बट जो लोग बोलते हैं ना कि ये है प्यार की निशानी, उसमें जाके थोड़ा बहुत मुझे ठीक नहीं लगता है. बाकी हाँ मोन्यूमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और उसको ठीक से मेंटेन भी करना चाहिए. टूरिस्ट इतना आता है भाई, इंडिया का रेवेन्यू भी उसमें जनरेट होता है ना बहुत. तो हाँ उस चीज़ में तो देखना चाहिए. बाकी चलते हैं अंदर और देखेंगे कैसा कैसा है. टूरिस्ट में भरे पड़े हैं भाई साहब.
चलिए भाई साहब, ये रहा ताजमहल, आप लोगों को इतना ही दिखा पाया। भाई बहुत फॉग है और ग्लव्स के चक्कर में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, जैसे 2 मिनट भी अगर ग्लव्स निकाल के चलो, हालत टाइट। भाई साहब अगर फॉग नहीं रहता तो चलो बाहर से कुछ देखने को मिल जाता। तो इतना तक ही है सो कॉल्ड प्यार की निशानी, जो लोग मानते वो लोग मानते हैं, कुछ वो नहीं है। बट हाँ, ये तो चीज़ सही है, जैसे पहले भी बोल रहा था, ये राष्ट्रीय धरोहर है तो इसको ठीक से संभाल के रखना कर्तव्य है। मतलब सुंदर चीज़ है, नो डाउट ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन जिस नाम से इसको बुलाया जाता है उसको मैं नहीं मानता हूँ। बाकी हाँ, देखते हैं अभी यहाँ से निकलेंगे, शायद आगरा फोर्ट या फिर क्या रहता है वो आपसे मिल के बताते हैं, मतलब बाकी लोगों से भी पूछ के कैसा रहता है वो बताता हूँ। अभी चलते चलते अपन लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट ना। यहाँ पे वैसे तो दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, बट हाँ टिकट विकेट देख लेते। ये रहा आगरा फोर्ट, इधर ही टिकट है। Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. भाई साहब दिखाने के लिए तो आए थे, बट कुछ मतलब फॉग के चक्कर में कुछ वीडियो आ ही नहीं रहा है। जैसे ताजमहल भी था और यहाँ पे भी वैसे ही है आगरा फोर्ट में ना। जगह अच्छा है, जगह सुंदर है, लेकिन ये फॉग के चक्कर में अपने को भी बहुत सामने सामने जाके उसके बाद देखना पड़ता है। क्या है, जॉन रसल कोल्विंस ग्रेव, ये वाला है यहाँ पे, ये यही है क्या, यही हो सकता है। ठंड में तो भाई हालत खराब, हाथ सुन पड़ गया, नाक में भी एकदम पूरा। ओहो अभी चलते हैं पहले। Give
बोलो हाँ, लेकिन यहाँ पे जो काम दिखता है ना वो सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने साल पहले यार सीरियसली हाथ से बनाया हुआ है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। ओ ये देखो आप, बाप रे बाप। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे जो खिड़की बनाते हैं इसे एकदम पूरा स्टोन काट के एकदम पूरा ऐसे जाली जाली बनाते हैं भाई, वो भी बहुत ही अच्छा है काम। तो इसके साथ अपना आगरा फोर्ट भी विजिट हो गया। सीरियसली बहुत ही अच्छा है, मतलब इतने साल पहले भी ऐसे काम होता था, देखने को बहुत ही सुंदर है। हाँ तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ये वाला, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। और हम लोग अभी बाहर जाके कुछ खाना वाना खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जाएंगे मथुरा, हाँ कृष्ण जन्मभूमि, तो वहाँ पे चलेंगे। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक है। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, और प्लीज़ यार आगे भी देखते रहो, आगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं ना। तो आपसे मिलते अभी थोड़ी देर में, मतलब हाँ थोड़ी देर में आपसे मिलते। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब। चलो बाय।